पहले आंटी फोटो के हमारे देते हैं एक चीज क्यों लिया सोमवार को आसनसोल स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस कई घंटों के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। लंबे समय तक ट्रेन के ना चलने पर ट्रेन के यात्री परेशान होकर स्टेशन पर रेल अधिकारियों के समक्ष धरना प्रदर्शन पर उतर आए। सभी लोग के चेहरे पर सर चमक रहा, भूख से मुंह में पानी नहीं आ रहा है। तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन तो जो बता रहे तो बता ही रहे हैं। उनका कहना है कि ये ट्रेन यहाँ की थीन है और हमने जिम्मेदारी में नहीं है। बच्चे को लेके परेशानी में बैठे हैं। कल 2 बजे से हम लोग ट्रेन में हैं। अभी हम लोग कब तक पहुँचेंगे बताइए सर। भूखे प्यासे जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे भी पहुँचेगी बताइए। हमारे पास दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान है। हम रिजर्वेशन करा रखे अपने स्टेशन पे उतरने के लिए, हमको उल्टा सीधा घुमाया जा रहा है। फिर बोल रहे हैं कि वहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगी। तो कहाँ से आ रहे, कहाँ जाना है? गोरखपुर से आ रहे हैं, खड़गपुर जाना है। हम भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमारा लेडीज है, वो बच्चा लिया, अब सामान हम कहाँ लेके ढोए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग 2000 यात्री इस ट्रेन में हैं। 2000 नहीं 10000 हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत ज्यादा है 10000 जो भी है। 2000 हैं यात्री हम लोग। ये सभी लोग परेशान हैं। रेलवे प्रशासन से इतने निराश हैं, रेलवे मैनेजमेंट से इतने निराश हैं और इतने हम लोग को धोखा फर्जरी ये लोग किए हैं हम लोग के साथ। अभी भी व्यवहार ये लोग ठीक दिखा नहीं रहे हैं। और यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। गोमो में हम लोग को गुमराह किया गया, धनबाद में हम लोग को गुमराह किया गया, आसनसोल में भी अनाउंस नहीं किया गया। गार्ड से जब हम लोग पूछे तो गार्ड सूचना दिया।